हेलो इंजीनियर, स्वागत है आपका सिविल गुरुजीदा सिविल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं कॉर्पोरेट ट्रेनर राजू कुमार और आप देख रहे हैं इंजीनियर। जैसा कि आज हमारे ट्रेनी आएंगे, आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बताएंगे, तो आप अपने नॉलेज को इन्हेंस करने के लिए आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। अगर आप भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9110123 पर कॉल करें, जुड़े हमारे साथ और आपको इसी तरह से नॉलेज बूस्टअप किए जाएंगे हमारे ट्रेनर्स के द्वारा। बने रहिए, आप हमारी वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। हेलो इंजीनियर्स, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ संजीव कुमार, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम बिहार। आज हम आप लोगों के सामने ड्राइंग है, एक लेआउट प्लान ऑफ 49 कॉलम का, जिसमें हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, कुछ बताना चाहेंगे हम अपने तरफ से कि जब हमारे पास लेआउट, उससे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इस्टीमेशन क्या होता है। तो इस्टीमेशन हमारा कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटी होते हैं एंड कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम होते हैं, वही हमारा इस्टीमेशन। जैसे कि कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क हो, जो प्रोजेक्ट हो, उसमें हमारा इस्टीमेशन करके हम उसका मतलब मटेरियल की क्वांटिटी को फाइंड आउट करते हैं और हम SOR से, शेड्यूल ऑफ रेट से, हम उस क्वांटिटी में मल्टीप्लिकेशन करके उसका बिल ऑफ क्वांटिटी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से हम लोग इस्टीमेशन और कॉस्टिंग किसी भी प्रोजेक्ट का हम बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। हम पर सबसे पहले हम लेआउट प्लान हम दिखाना चाहते हैं, एक फुटिंग एंड कॉलम का मेरे पास है। इसमें पहले हम लोग हमारे पास जब प्लान आते हैं कोई भी कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क का, तो उसके पहले हम लोग सबसे पहले साइट क्लीनिंग करते हैं, एक्सकेवेशन ऑफ फुटिंग करते हैं, सैंड फिलिंग करते हैं, पीसीसी करते हैं, फुटिंग करते हैं, पेडेस्टल कॉलम और बैक फिलिंग तक आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहेंगे। तो पहले हम साइट क्लीनिंग करते हैं। तो साइट क्लीनिंग करते हैं तो जो हमारा प्लॉट होते हैं उससे हम एक मीटर चारों तरफ अराउंड 1 मीटर लेफ्ट लेंथ में भी और विड्थ में भी चारों तरफ एक एक मीटर हम छोड़ते हैं, क्योंकि हम लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं तो हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे वहाँ पे कुछ हमारा मटेरियल भी गिरेगा, जैसे सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सीमेंट हो गया, सब रखने के लिए हमको स्टोर करने के लिए जगह चाहिए। तो जो हमारा प्लॉट होगा उससे हम कुछ एक्स्ट्रा हम इसीलिए मतलब एक एक मीटर चारों तरफ से हम लेते हैं जिससे हम स्टोर कर सकें। तो हम इस्टीमेशन निकालना बताते हैं कैसे हम इस्टीमेट करेंगे क्वांटिटी का। तो पहले हम साइट क्लीनिंग का इस्टीमेशन करते हैं। इसका मोड ऑफ मेजरमेंट मीटर स्क्वायर में होता है, स्क्वायर मीटर में होता है। तो इसका इसको साइट क्लीनिंग करने के लिए हम जैसे इसको साइट क्लीनिंग करने के लिए हम क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारा जो प्लॉट का साइज दिया हुआ है, प्लॉट साइज हमारा है 17.8 × 12.5। इसके लिए हमको स्क्वायर मीटर में करना है तो हमको लेंथ और ब्रिथ चाहिए। तो ये हमारा लेंथ है प्लॉट का और ये हमारा ब्रिथ है। तो हम इसमें जो हमारा प्लॉट है उसमें चारों तरफ से, प्लॉट के चारों तरफ से हम 1 मीटर ऐड कर देंगे। तो हमारा एक्चुअल एक्सकेवेटेड प्लॉट एरिया जो होगा हमारा 17.1 + 1 = हो जाएंगे 19.8, और ये हमारा लेंथ हो जाएगा और ब्रिथ हो जाएगा हमारा 12.5 + 1 + 1, दैट मीन्स 14.5। इसको हम इसकी एस्टिमेशन निकालने के लिए, इसका मोड ऑफ मेजरमेंट स्क्वायर मीटर में होता है, तो इसको हम सिंपली इसका क्वांटिटी जो हमारा एस्टिमेटेड क्वांटिटी जो आएंगे हमारे यही हो जाएंगे, जैसे 19.8 × 14.5 से मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा
तो हमारा प्लॉट लेंथ देखिए, लेंथ हमारा 17.8 मीटर और ब्रिथ है 12.5 मीटर। इसमें हम एक्स्ट्रा 1 मीटर ऐड करते हैं, जैसे लेंथ में 1 मीटर, इसके लेफ्ट इस साइड से भी हम 1 मीटर ऐड करेंगे, इस साइड से भी 1 मीटर करेंगे, चारों तरफ से। तो हमारा एक्चुअल लेंथ 17.8 प्लस 1 इधर से भी हम लेंगे, तो यही हम लिए 19.8। और उसी तरह से 12.5 इसकी ब्रिथ है, उसमें दोनों तरफ से ऊपर और नीचे हम 1 मीटर और 1 मीटर लेंगे, तो हमारा 14.5 हो जाएंगे। तो एस्टिमेटेड क्वांटिटी जो हमारा निकल के आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रिथ से मल्टीप्लाई करके हम एस्टिमेटेड क्वांटिटी हम साइड क्लीनिंग का फाइंड आउट कर लेंगे। उसी तरह से हम दूसरे नंबर में हम चलेंगे, साइड क्लीनिंग के बाद हम एक्सकेवेशन करते हैं। तो एक्सकेवेशन करने के लिए एक्सकेवेशन जो होता है उसका क्वांटिटी जो होता है हमारा, उसका मोड ऑफ मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में हम लोग निकालते हैं। तो हमारा यहाँ पे हम दिखा रखे हैं कि हमको इस ड्राइंग में दो तरह का हमको फुटिंग इसमें दे रखा है, जिसका एक फुटिंग का साइज 1.8 × 1.8 मीटर है, दूसरी फुटिंग का साइज 1.5 × 1.5 मीटर है। तो हम फर्स्ट फुटिंग का इसमें हमारा टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे, तो F1 हमारा 16 है, देखिए F1 जो हमारा 4 इसमें 4 8 और 4 12 4 16, F1 हमारा 16 नंबर है, हमारा 16 है, और F2 हमारा यहाँ पे नंबर इसका 8 है। तो इस तरह से हम मिट्टी निकालते हैं हम ज़मीन से। तो जो फुटिंग का साइज होता है, अगर हमारा यहाँ देखिए दोनों यहाँ हमारा F1 और F2 की हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर हाइट है, तो 1.5 मीटर हाइट तक हम लोग का जो फुटिंग का अगर डेप्थ दे रखा होता है, तो वहाँ पे हम एक्सकेवेटेड एक्सकेवेशन जो करते हैं, फुटिंग की लंबाई और चौड़ाई चारों तरफ से हम 300 mm एक्स्ट्रा हम मतलब एक्सकेवेट करते हैं। तो इधर भी हम 300 mm यानी 0.3 मीटर हो जाएगा, इधर भी 0.3, इधर भी 0.3, इधर भी 0.3 हमारा एक्स्ट्रा मतलब तो एक्सकेवेटेड लेंथ हम निकालेंगे। तो यहाँ पे हम यहाँ बताएंगे एक्सकेवेटेड लेंथ हमारा जो हो जाएगा, एक्सकेवेटेड लेंथ हमारा जो हो जाएगा 1.8 F1 का दिया हुआ प्लस 0.3 प्लस 0.3 दोनों साइड से ले रहे हैं, तो मेरा हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा एक्सकेवेटेड लेंथ हो गया। उसी तरह से एक्सकेवेटेड हमारा विड्थ हो जाएगा, तो उसमें भी हम दोनों तरफ से 0.3 मीटर हम ऐड करेंगे। तो 1.8 जो 0.3 प्लस 0.3, तो यह हमारा ब्रिथ आ जाएगा। तो एक्सकेवेटेड लेंथ और ब्रिथ हो गया, और जो हम कितना तक एक्सकेवेट करेंगे, कितनी हाइट तक, तो जो हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन दे रखा होगा उतना से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा एक्सकेवेटेड क्वांटिटी निकल के आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम एक्सकेवेटेड क्वांटिटी निकालेंगे, तो इसका मोड ऑफ मेजरमेंट लेंथ मीटर क्यूब होता है, तो यानी लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों गिवन होंगे, तो हम तभी जाके हम इसका मीटर क्यूब में निकाल पा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा लेंथ दे रखा है एक्सकेवेटेड लेंथ 1.8 × 1, ये जो हमारा एक्सकेवेटेड लेंथ है, जो आगे मान लीजिए एक्स से यहाँ वाई आ रहा है, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ एक्स लेंथ के जगह पे वाई के जगह ब्रीथ के जगह वाई, और जो हमारा हाइट दे रखा है 1.5, यहाँ पे हम डालने के बाद जो कैलकुलेशन करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो एक एक्सकेवेटेड क्वांटिटी होगा। लेकिन यहाँ पे हम एक कॉलम का लिए F1 के लिए ऐसा हमारे पास 16 F1 है, तो हम नंबर से 16 जो हमारा नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल F1 के लिए हमारा एक्सकेवेटेड क्वांटिटी आ जाएगा नंबर इंटू LBH। तो यहाँ से हमारा F1 के लिए निकाल रहे हैं, F1 के लिए एक्सकेवेटेड क्वांटिटी 16 है हमारा, तो जो हमारा लंबाई लेंथ और ब्रिथ पूरे 1.5 जो आएगा वही हमारा एक्सकेवेटेड फुटिंग का F1 फुटिंग के लिए एक्सकेवेटेड क्वांटिटी हो। उसी तरह से
एफ टू फुटिंग के लिए भी हम एक्सपेक्टेड क्वांटिटी निकालेंगे। यहाँ पे एफ टू फुटिंग हमारा इसमें 6-8 दे रखा है, उसी तरह से लेंथ विड्थ इसका निकाल लेंगे एक्स्ट्रा 0.3 मीटर चारों तरफ से। उसके बाद उसका एक्सकेवेटेड लेंथ हमारा 1.5 में ऐड हो जाएगा, 0.3 प्लस 0.3, उसे विड्थ में 1.5 प्लस 0.3 प्लस 0.3 हमारा विड्थ निकल जाएगा। और इसका भी एफ टू का भी डेप्थ हमारा 1.5 मीटर है, तो फिर उसी तरह से हम उसका भी एफ टू का भी एक्सकेवेटेड क्वान्टिटी निकाल लेंगे। तो उसी तरह से वहाँ पे हमारा 8 है इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो एफ टू का जो लेंथ ब्रेथ आएगा उस वही हमारा यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से हमारा एफ टू के लिए भी हमारा एक्सकेवेटेड क्वांटिटी आ जाएगा। क्या अब इसमें अगर आप लोगों को कहीं भी कोई मतलब समस्या आती है तो आप इस कमेंट बॉक्स में जाके कुछ सजेशन दे सकते हैं या कुछ पूछना है तो हमें बता सकते हैं। तो इसके लिए मतलब यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।